बहुत सारी चीजें थीटा मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी में एग्रीवेट भी हो सकती है, जो कि आपके फ्यूचर की प्रॉब्लम है। तो कई बार लोग ये भी बोलते कह रहे हमने थीटा मेडिटेशन किया तब से हमें ये प्रॉब्लम होने लगी, स्किन पे ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। सो एक्चुअली थीटा मेडिटेशन आपके अंदर का जो गार्बेज है, मतलब जो आप लेके चल रहे हो जिसकी आपकी बॉडी को कोई जरूरत नहीं, वो उठा के फेंकना चालू कर देता है कि ये नहीं चाहिए आपको। थीटा मेडिटेशन आपने रात में सोया है नहीं सोया है वो सारी लैक को कंप्लीट करता है। प्लस थीटा मेडिटेशन आप किसी भी मोडालिटी के लिए कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप थीटा में कनेक्टेड है, आप रेकी करिए, लामा फेरा करिए, क्रिस्टल करिए, आप जो भी करना है, मतलब जितने भी नाम है सब कर सकते हैं आप। और भी ज्यादा बैलेंस थॉट के साथ, बैलेंस हीलिंग के साथ, और इफेक्टिव बहुत हो जाती है कोई भी। तो थीटा हीलिंग, थीटा ब्रेन वेव जो है या जिसके ऊपर ये पूरी थीटा हीलिंग बनी है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट हीलिंग। मतलब उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता, आज कर लेंगे फिर कल कर लेंगे फिर परसों कर लेंगे। यस, जैसा जैसा आप भेजते जाते हैं वैसा वैसा चेंजेस बॉडी में इंस्टेंटली आते चले जाते हैं। कुछ बीमारियां बहुत गहरी होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बॉडी अचानक से सब कुछ बदल दे वो भी खतरनाक होता है ना, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा झटका लगता है बॉडी को। तो ये एनर्जीज जो हैं, जैसे आप कमांड देते हैं थीटा में, हम लोग कमांड देते हैं। जो लोग नए हैं, जो आज ही आए हैं थीटा हीलिंग के लिए, उनको मैं ये बता दूं कि आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक रीकैप होगा जो बेसिक और एडवांस का है, ठीक है, और टाइम टाइम पे आपको जो भी कमांड्स, जिन्होंने पहले कोर्सेस किए हैं, जो भी कमांड्स उन्होंने तब सीख लिए हैं और उनको वो आज भी यूज करते हैं, वो कमांड्स भी आपको बताई जाएंगी। जैसे जैसे हम बीमारियां चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, किस बीमारी के लिए कौन से कमांड्स, कमांड्स का मतलब होता है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसका एक एक खाका, एक यू नो लाइन बनानी पड़ती है कि भैया मुझे ये करना है, उसको हम कमांड बोलते हैं, जो हम सेवंथ प्लेन पे जा करके करते हैं। मैं थीटा का एक छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि थीटा हीलिंग क्या है। थीटा हीलिंग हमारे वो सेवंथ प्लेन से कनेक्ट करती है। सेवंथ प्लेन का मतलब होता है वो एनर्जी जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया है, द क्रिएटर्स एनर्जी विच क्रिएट्स द होल अर्थ यूनिवर्स एवरीथिंग। आप जब आप वहां सेवंथ प्लेन पे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन बढ़ जाता है, और आप जब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, अर्थ की ऑरा से बाहर निकल जाते हैं, तो आपके ऊपर अर्थ के कोई लॉज लागू नहीं होते हैं। इसीलिए जब आप सेवन प्लेन पे कनेक्टेड होते हैं, जब आप वहां पे होते हैं एनर्जेटिकली, तब तो आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो कर्मा लगेगा, यू नो इमोशनल लॉज लगेंगे, बहुत सारे जो एक होते हैं ना कार्मिक, जो आपका साइकिल चल रहा है उसको आप नहीं बदल सकते, राइट। यही बोलते हैं ना सब लोग कि जो कर्मा है वो तो भुगत के ही जाना है। यस ऑफकोर्स, लेकिन उसको हम बेटर बना सकते हैं, अपनी लर्निंग लर्न करके उसको हम बहुत स्मूथली निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो जब हम सेवन प्लेन पे होते हैं तो एनीथिंग इज पॉसिबल, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हम कोई भी चीज को चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। एंड दैट टू क्रिएटर के साथ, जब आप कनेक्ट कर रहे हैं, जब उस एनर्जी के साथ आप क्रिएट कर रहे हैं जिस एनर्जी ने ये पूरा वर्ल्ड बनाया है, ये पूरा यूनिवर्स बनाया है, तो सोचिए कितना पावरफुल होगा, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। कुछ लोगों को इंस्टेंटली बहुत सारे विजन्स आते हैं, बहुत सारी चीजें उनको समझ में आने लगती है कि हाउ टू डू हीलिंग एंड ऑल, बट कुछ लोग जिनकी एज 40, 50, 60 हो जाती है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम उस समय बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज द एम ऑफ थीटा हीलिंग, ओके, कि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं जब थीटा हीलिंग करते हैं। और आपको स्कैनिंग करना आता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने स्कैनिंग सीखी होगी जब आप रेकी करते होंगे, तो आपकी स्कैनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और जब थीटा में कनेक्ट करके स्कैनिंग आप करते हैं, इट इज लाइक फूल प्रूफ कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपको एग्जैक्टली दिखाई देता है, बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी, ठीक है। सो ये थीटा हीलिंग है।